नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया है। और ये मेरे तीन कलर है जिसका मैंने डोरमेट बनाया है। ये ग्रीन है और ये पिंक है और ये ब्लू है। आप कोई भी कलर ले लीजिए। और ये मैंने 16 फंदे का बनाया है। आप जिसमें जितने फंदे डालें, आप 4 के सेट में फंदे डालें और आप इसको कितना बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम 2 फंदे उतार लेंगे। ये देखिए, हमने 2 फंदे उतार लिए और यहाँ पे हम ये देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर लगा रही हूँ। ब्लू कलर से हम एक इस तरह से इसको फंसा लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने ये ब्लू कलर से बिन लिए। अब हम 6 फंदे इससे पिंक कलर से बनाएंगे। 1 और इस फंदे को देखिए, दोनों को हम इस तरह से कर देंगे और ये हम 6 फंदे बिनेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे। 6 फंदे हमने ये पिंक कलर से, 2 फंदे हमने छोड़ दिए। अब हमारे दोनों तरफ 2-2 फंदे छूट गए हैं ग्रीन के। ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर के 2-2 फंदे, 2 फंदे इस तरफ, 2 फंदे इस तरफ छोड़ दिए हैं। और ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जैसी है हमारी, उल्टी उल्टी। इस पिंक वाले फंदे हम पिंक कलर से बिनेंगे। ये पिंक के हमारे 6 फंदे, इनको हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जोड़ है और इसको क्रॉस मिलाना है। जोड़ है, इसको हमें टाइट रखना है फंदा, नहीं तो यहाँ पे हमारी डिजाइन अलग अलग खिंची खिंची सी रहेगी। और ये पिंक, ये ब्लू फंदे अब हम पूरे, ये देखिए ब्लू कलर से अब हमने 1, 2, 3, 4 फंदे बिन लिए और 2 फंदे हमने छोड़ दिए बिना बुने। ये देखिए इस तरह से। और यहीं से धागा घुमा के अब हम उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में आके हम ये ब्लू के 4 फंदे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमारे 6 फंदे थे, इसलिए हमने 2 फंदे छोड़े तो 4 हो गए। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पिंक वाले से हम 4 फंदे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 फंदे बिन लिए। अभी हमने दोनों तरफ से 2-2 फंदे छोड़ना है मुझे, तो इस तरह से अब हमारे ये पिंक वाले इस तरफ से 2 फंदे पिंक के छूट गए, इधर इस साइड में 2 फंदे ब्लू के छूट गए। और ये हम फिर से ये देखिए सीधी साइड में आ गए। और सीधी साइड में हमें पूरा ऐसे ही बनाना है जैसा है वैसे ही। ये देखिए इस तरह से, ये हमने पिंक वाले फंदे पूरे पिंक कलर से बिने और इस धागे को पीछे किया और इसको देखिए खींच के हम आगे लाएंगे, क्योंकि हमारा जोड़ है हम, इसलिए इसको ध्यान से बनाना है कि हमारा जोड़ है, इसको टाइट रखना है और दोनों तरफ के फंदे को टाइट रखना है। तो ये हमारी डिजाइन बहुत खूबसूरत सी आती है, नहीं तो ये खिंची खिंची से रहेगी। और अब हम 2 फंदे फिर से ये ब्लू वाले छोड़ देंगे। तो अभी हमारे 4 फंदे ब्लू के छूट गए। ये देखिए, हर सिलाई में हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, हम 2 फंदे फिर से उल्टे बिन लिए और धागा से घुमा के लिया और ये फिर पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी। अब ये देखिए, 2 फंदे हमने पिंक के बिन लिए और इधर से ही धागा घुमा लिया। अभी हमारे दोनों तरफ 6 फंदे छूट गए, 6 इधर। ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 3, 6 6 फंदे इधर छोड़ दिए और 2, 2, 4, 2, 6 6 फंदे इधर छूट गए। अब हमारे बीच में 4 फंदे बचे हैं, 2 पिंक के और 2 येलो के। तो 2 पिंक के हम 2 फंदे बिन लिए, ये देखिए इस तरह से। ये अब इस धागे को पीछे करेंगे और फिर से हम ये 2 फंदे ब्लू के बिनेंगे। अभी हमारे 4 फंदे हैं, 2 फंदे पिंक के और 2 फंदे ब्लू के। अभी हम डिजाइन में, अब जैसे हमने 2-2 फंदे इधर छोड़े थे, अब हम 2 फंदे फिर से ये पिंक वाले उठाएंगे इधर से। 3, 4 फंदे हमने उठा लिए और धागा यहाँ से घुमा के ले लिया, ऐसे ले लिया। ये देखिए, हमने ये धागा घूम इसके बीच से ये 4 फंदे बिने, इस धागे को ऐसे घुमा के यहाँ से ले लिया। अब हम फिर से ये देखिए उल्टी साइड में इसको बिनेंगे ना, इसी में पिरो देंगे। और ये हमने 4 फंदे ब्लू के लिए थे, वही 4 बिनेंगे, 1, 2, 3, 4 4 फंदे हमने लिए और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे, 1, 2 और 2 फंदे हम पिंक के इस तरफ से ले लेंगे, 3, 4। अभी हमने
दोनों तरफ से दो दो फंदे उठाए तो हमारे आठ फंदे हो गए। अब हम ये फंदा उतारेंगे और धागा इसके बीच से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप इसी तरह से करना, नहीं तो यहाँ पे छेद पड़ जाली पड़ जाएगी। और इसको उतार के इसको बीनेंगे नहीं, इसको उतार देंगे और टाइट करके अगला फंदा हम बीन लेंगे। ये देखिए हम सीधी साइड पूरी जैसी है, ये देखिए उसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए बना लिए, ये धागा ऐसे घुमा के लिए, इसको ऐसे टाइट किया, इसको खींच के क्रॉस में आगे लाएंगे और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हमने पूरी लाइन बीन ली, ये हमने चार फंदे बना लिए। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, और ये हमने दो फंदे फिर से इधर के ले लिए, छह फंदे हो गए। अब हम एक फंदा ये वाला उतार के इसमें ऐसे पिरो के ले लेंगे। ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए इसको इसी में पिरो देंगे बिनिंगने, और ये हम पूरे ब्लू के फंदे बिन लिए। अब हम दोनों साइड से दो दो फंदे हमें जिस तरह से छोड़े थे मैंने, अब दो दो फंदे हमने उठाए हैं, तो अभी हमने सारे ब्लू के उठा लिए फंदे। ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बना लिए। अब इस फंदे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, और ये पूरे फंदे अब हम पिंक के भी इस तरफ से उठा लेंगे। ये देखिए दो फंदे अभी हमारे ये रह गए थे, इनको हम दो को बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, अब हम फिर से ये ग्रीन फंदा उतारेंगे और इसके बीच से धागा निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस फंदे को बिनना नहीं है, ये इसको उतार लिया और ये फिर सीधी सिलाई हम पूरी, ये देखिए सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए जो जिस कलर का है वही कलर लगाएंगे, पिंक वाला। ये देखिए हमने पिंक कलर से बना लिए, ये देखिए बना लिए, इसको ऐसे किया और ये हम इस फंदे को ऐसे करेंगे। ये देखिए अब ब्लू वाले फंदे हम पूरे ब्लू कलर से बीनेंगे। ये देखिए ये हमने ब्लू फंदे पूरे ब्लू कलर से बीन लिए। ये देखिए इस धागे को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम ग्रीन वाला फंदा ऐसे खींच के आगे लाएंगे, और इसके हमारे ये दो फंदे हैं ग्रीन के, तो हम इन दो फंदों को ये इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे हम ग्रीन वाले ग्रीन से बीन लेंगे। ये देखिए ये हमारे अभी हमने इस तरह से बीन लिया। अब हम फिर से उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए अब हम ये फंदा उतार लेंगे और इसे घुमा के ले लेंगे, और ये हम पूरी लाइन लास्ट तक ग्रीन कलर से बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी अभी हाफ एक कली बन के तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरी लाइन हम लास्ट तक बीनेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरे फंदे जो हमने दो दो करके छोड़े थे, अब हम दो दो करके वो सब उठा लिए। अब हमारे ग्रीन वाले फंदे उठाने बाकी हैं, इसलिए अब हम ग्रीन के फंदे पूरे इस तरह से हम उठाएंगे। ये देखिए अब ये दो फंदे हमारे ग्रीन के हैं, इनको भी बीन देंगे। ये देखिए हमारी ये हाफ कली बन के तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे, पूरे फंदे हम ग्रीन वाले बीन लेंगे। और ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली पूरी ये ग्रीन से। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, और ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे, और हमने जितने फंदे डाले हैं उसके हम आधे फंदे लेंगे। ये हमने 16 फंदे डाले हैं इसलिए हम 8 फंदे लेंगे, तो ये हम इस फंदे को भी गिन लेंगे जो हमने फंदा उतारा है। एक दो तीन चार पांच छः सात, और ये देखिए हमने 8 फंदे ले लिए। अब जितना भी बनाए उसके आधे फंदे हमें लेने हैं, तो हमने ये 16 फंदे लिए, उसके आधे हमने 8 फंदे ले लिए। और यहाँ से धागा घुमा के फिर से हम सीधी साइड आ गए, और ये हम पूरा उल्टा उल्टा बना लिए। ये देखिए सीधी साइड हम पूरी इसी तरह से हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए हमने पूरी सीधी साइड बना ली। अब हम फिर से, ये देखिए सीधी साइड हमने बना ली, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, और ये फंदा हम उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे, और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाई और एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये हमने 8 बीने थे, हमने 7 बीन लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा हमने छोड़ दिया और धागा यहीं से घुमा के आगे साइड आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से और ये सीधी सलाई हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर से हम उल्टी साइड आ गए, ये फंदा उतारा और धागे से घुमा के लिया और ये फंदे हम बीन लेंगे 3 4 5 6। ये हमने 6 फंदे बीने और धागा यहीं से घुमा के ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से हम उल्टी साइड सीधी साइड आ गए और हमने इस बार 2 फंदे छोड़ दिए। हमने ये 2 सलाइयां बीनी और 2 फंदे छोड़ दिए और सीधी सलाई हमारी जैसी है वैसे ही बना के लेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा घुमा के लेंगे। ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये हम 1 2 और ये हमने ये फंदा उतारा 3 4 और ये हमने 5 फंदे बीन लिए और एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया। ये देखिए और ये फिर से हम पूरी सलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए सीधी साइड जैसी है वैसे बनाना है। इसी तरह से हम अब पूरे फंदे छोड़ लेंगे। जब हमारे 2 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और धागा यहीं से घुमा के ले लिया। इसी तरह से मैं सारे फंदे छोड़ के दिखाती हूँ। अब हम ये सारे फंदे छोड़ दिए, अब ये हमारे 2 फंदे रह गए, इनको भी हम छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 फंदे रह गए। अब हम ये फंदा उतारेंगे और धागा से घुमा के लेंगे और ये 2 फंदे हम बीन लेंगे और ये हम तीसरा फंदा उतारेंगे और धागा यहीं से घुमा के ले लेंगे। और ये तीसरा फंदा जो हमने उतारा इसको बीना नहीं था इसलिए हम इसको बीनेंगे नहीं, उतार लेंगे और बाकी 2 फंदे हम बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 फंदे बीन लिए। फिर से हम उल्टी साइड आ गए और ये फंदा उतारा और 2 फंदे हम बीन लेंगे 1 2 2 फंदे बीन लिए। अब ये हम ये देखिए तीसरा फंदा हम उतारेंगे। ये देखिए और ये फंदा हम इसी में पिरो देंगे, बीनेंगे नहीं और बाकी फंदे हम ये उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए फिर से ऐसे धागा को अभी मैंने 2-2 करके मैंने पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए थे, अब मैं सॉरी 1-1 करके मैंने पूरे फंदे छोड़े। अब हम इसको फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को भी हम गिनेंगे 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बीन लिए और ये हम 5वां फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे। और ये देखिए कि 5वें फंदे को हम बीनेंगे नहीं, इसी में उतार देंगे और ये पूरी लाइन हम फिर से 5 फंदे बीनेंगे 1 4 फंदे बीनेंगे, एक फंदा हमने पिरोया था 1 2 3 और ये देखिए 4, ये 4 फंदे हमने बीन लिए। फिर से यहाँ धागा घुमा के लिया और इसी में पिरो दिया। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने बीने, एक फंदा हमने उतारा था 5 और इस फंदे को ऐसे घुमा के ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से और फिर से हम सीधी साइड में आ गए और फिर से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और ये देखिए पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे और धागा यहीं से घुमा के लेंगे। फिर से ये फंदा हमने उतारा और धागा यहीं से घुमा के लिया और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से और ये फंदा फिर से ऐसे उतारा। इसी तरह से हम 1-1 फंदा लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और ये हर सलाई में 1-1 फंदा हम बढ़ाएंगे और हम ये 8 फंदे बीन लेंगे। जो हमने 8 फंदे छोड़े थे वो 8 1-1 करके हम 8 फंदे ही बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा यहाँ घुमा के लिया। फिर से हम उल्टी साइड में आए और ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए हमने 8 फंदे हमने बीन लिए।
अब ये नवा फंदा हम इसे घुमा के ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको इसी में पिरो देंगे, बिनेंगे नहीं। और ये हम आठ ही फंदे बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात, ये छह फंदे हमने भी और सात और ये आठ फंदे, इन दो फंदे को हम बिनेंगे नहीं और धागा यहीं से घुमा के ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी अभी ये देखिए, ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह से, जैसे ये दो फंदे हमने ग्रीन के नीचे उतारे थे सेम उतार लिए। अब हम यहाँ पे ये अपना येलो कलर, ये ब्लू कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ब्लू कलर से बिनेंगे, एक ये दो फंदे दो। अब हम आधे आधे फंदे करेंगे, अभी हमने दो फंदे इस तरफ छोड़ना है, दो फंदे हमें ग्रीन के इस तरफ छोड़ना है। ये हमारे 16 फंदे थे, चार फंदे कम हो गए तो बचे हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस ग्यारह बारह, बारह फंदे बचे। तो इन बारह को हम छह फंदे ये ब्लू से बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छ, ये छह फंदे हमने ब्लू से बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये हम छह फंदे पिंक से बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह फंदे हमने पिंक से बिन लिए और धागा यहीं से घुमा के ले लिया। अब ये देखिए, अब हम दोनों तरफ हमने दो दो फंदे छोड़ दिए। अभी हमारे दो फंदे ग्रीन के इस तरफ छूट गए और दो फंदे इस तरफ। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे, अब हम ब्लू के फंदे छोड़ेंगे इधर पिंक से और इसी तरह से हम दोनों तरफ से एक एक बार ये उल्टी साइड से एक बार सीधी साइड से दोनों तरफ से दो दो फंदे छोड़ते हुए पूरे छोड़ देंगे। जब चार रह जाएंगे तब उन चार फंदों से फिर हम दो दो फंदे करके उठाना भी शुरू करेंगे और सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये हमारी खूबसूरत सी कली बन के तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए हमने पूरा बना लिया है, ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। ये मेरा थोड़ा सा रह गया है, ये देखिए मेरी चार कलियां बन के तैयार हो गई। ये देखिए मेरे हाफ से ज्यादा हो गया है। इसी तरह से हम पूरा रिपीट करेंगे तो ये हमारा खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार।